गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड इन योर सिलेबस यू हैव टू राइट आई सॉ योर सिलेबस एंड इन दैट यू हैव टू राइट 5 लाइंस ऑन रेनी सीजन एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ रेनबो. ओके, मैं आपका सिलेबस देख रही थी बच्चों, उसमें अगस्त मंथ में आपको 5 लाइंस रेनी सीजन के ऊपर लिखना है ऐसे. ओके, और आपको एक रेनबो ड्रॉ करना है उसके बाद, जहां आप रेनी सीजन ख़त्म करोगे 5 लाइंस, उसके बाद आपको एक रेनबो ड्रॉ करना है. ओके, सो मैं आपको 5 लाइंस रेनी सीजन के ऊपर लिखवा देती हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 लाइंस ऑन रेनी सीजन, बट यू ड्रॉ रेनबो बाय योर ओन. ओके, ऑल राइट चिल्ड्रन, सो प्लीज टेक आउट योर पेंसिल एंड कॉपी. ओके, आई विल गिव यू अ स्टिल पिक्चर. ओके, ऑफ रेनी सीजन ऐसे, बट आई एम रिसाइटिंग ऑल्सो, यू राइट. ऑल राइट, हेडिंग शुड बी रेनी सीजन एंड स्पेलिंग ऑफ रेनी सीजन इज RAINY रेनी सीजन. ओके, RAINY रेनी SEASON रेनी सीजन. ऑल राइट, एंड यू हैव टू राइट डाउन द डेट, दैट इज 11/8/2020, and you have to write down the day, Tuesday, TUESDAY, Tuesday. All right, rainy season, and the date is 11th of August, and the day is Tuesday. Okay, now start writing. First line is, rainy season is the great gift of the God. And how you will write? Rainy, RAINY, rainy season, SEASON, rainy season, is the great, GREAT, great gift, GIFT, gift of the God. भगवान का दिया हुआ एक बहुत अच्छा उपहार है rainy season. Yes. ओके चिल्ड्रन, कैसे? इस सीजन में एक तो गर्मी से राहत मिलती है, पौधों को अच्छा पानी मिल जाता है ना, सारे पौधों से डस्ट और डर्ट उड़ जाते हैं, सब तरफ ग्रीनरी नज़र आती है, पिकॉक भी बहुत हैप्पी हो जाता है ना, और डांस करने लगता है हैप्पी होके, सारे जानवर खुश हो जाते हैं, है ना, और खेतों को पानी मिल जाता है जिससे अच्छी फसल होती है ना चिल्ड्रन. सो रेनी सीजन गॉड का दिया हुआ बहुत अच्छा गिफ्ट है. हाँ, लेकिन जब ज़्यादा रेन हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा रेन पड़ने लगता है, तो उसके नुकसान भी हैं. फ्लड आ जाता है उसके बाद. फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़, है ना चिल्ड्रन. तो जब किसी भी चीज़ का एक्सेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीम, तो उसका नुकसान भी होगा ना. लाइक आप चॉकलेट खाते हैं, अगर 1, 2, 3 खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मज़ा आता है, यस ना, यू फील फन, यू एंजॉय, इजंट इट. बट इफ़ यू ईट लॉट्स ऑफ चॉकलेट, देन व्हाट हैपेंड, स्टमक एक शुरू हो जाता है ना. यस, सो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम. उसी तरीके से अगर बारिश
नॉर्मल हो तो बहुत अच्छा, धरती को बारिश की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन एक्सट्रीम हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चारों तरफ फ्लड्स आ जाते हैं, यस ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑल राइट, सो हैव यू रिटन फर्स्ट लाइन? रेनी सीजन इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ द गॉड, यस, फुल स्टॉप, पुट अ फुल स्टॉप। नाउ कम टू राइट सेकेंड लाइन, ओके, राइट डाउन सेकेंड लाइन। रेनी सीजन कम्स एट द एंड ऑफ द समर सीजन, रेनी सीजन कम्स एट द एंड ऑफ द समर सीजन। आई एम रिपीटिंग, रेनी सीजन कम्स एट द एंड ऑफ द समर सीजन। नाउ स्पेलिंग्स, रेनी सीजन आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, द स्पेलिंग ऑफ रेनी RAINY एंड सीजन SEASON। रेनी सीजन कम्स COMES कम्स at 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 the 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 end of END end OF off end of the summer season end of the summer season. And what is the spelling of summer season? Summer SUMMER summer, and spelling of season SEASON season, summer season SUMMER summer, SEASON season. So this was the second line, okay. First line was rainy season is the great gift of the god. Second is rainy season comes at the end of the summer season. And meaning now, okay, when summer season comes to its end, जब summer season अपने end पे आ जाता है, चार महीनों का summer season होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने को होता है, तब rainy season start होता है, okay children? ठीक है। नाउ थर्ड लाइन, इट बिगिंस इन जून एंड गोज ऑन टिल सेप्टेम्बर, इट बिगिंस इन जून एंड गोज ऑन टिल सेप्टेम्बर। It begins in June and goes on till September. Now spellings, it, you know the spelling of it, 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 begins BEGINS begins, it begins in 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 June, JUNE June, the month June, okay, JUNE June, and goes, GOES goes on, ON on till, TILL till September, SEPTEM BER September, SEPTEMBER September. Now put a full stop. Have you written, children? Good. So third line is over. Okay. First, second, third. We have written three lines and we have to write how many lines?
five lines. Okay. So now come to the fourth line. Okay. Fourth line is, it is also called monsoon season. It is also called monsoon season. It is also called monsoon season. Okay, it, it is, you know, spelling of is, is, is also, 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 also called, called, called. It is also called monsoon season, monsoon, monsoon season, season, season. It is also called monsoon season. Okay children, मैंने आपको थर्ड लाइन का मीनिंग नहीं बताया, बता देती हूँ. इट बिगिंस इन जून एंड गोज ऑन टिल सेप्टेम्बर. मतलब ये शुरू होता है रेनी सीजन और मॉनसून सीजन. कब शुरू होता है? जून के महीने में शुरू होता है और कब तक चलता है? सेप्टेम्बर तक. ओके, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, चार महीनों के लिए है ना. तो इट बिगिंस इन जून, ये शुरू होता है जून में और गोज ऑन कब तक चलता है? टिल सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर तक चलता है. ओके, ठीक है, समझ गए. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन. इसको मानसून सीजन भी कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं इसको? मानसून भी कहते हैं, रेनी सीजन भी कहते हैं, मॉनसून सीजन भी कहते हैं. एंड द स्पेलिंग ऑफ मॉनसून इज monsoon, मॉनसून सीजन. ऑलराइट, नाउ लास्ट लाइन. इन दिस सीजन द फार्मर्स ग्रोज क्रॉप्स. इन दिस सीजन द फार्मर्स ग्रोज क्रॉप्स. I am repeating children, in this season the farmers grows crops. Now spelling time, in, I n in, this, T H I S, this season, S E A S O N, in this season the farmers, the, T-H-E, the farmers, F-A-R-M-E-R-S, farmers, F-A-R-M-E-R-S, farmers, grows, G-R-O-W-S, grows, crops, C-R-O-P-S, crops. Okay, crops, crops means इस सीजन में farmers, farmers कौन होते हैं children? किसान, जो खेती करते हैं है ना, जो हमारे लिए फसल उगाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं है ना. तो rainy season में, इस सीजन में farmers जो हैं, किसान जो हैं, वो फसल लगाते हैं ताकि फसलों को अच्छी पानी, अच्छा पानी मिल जाए है ना, बारिश की वजह से अच्छा पानी मिल जाए और वो अच्छे से ग्रो कर सकें. ऑलराइट, सो इस सीज़न में किसान खूब खुश होते हैं, वो बारिश का इंतज़ार करते हैं. ओके, ठीक है. सो दे आर द फाइव लाइन्स ऑन रेनी सीज़न विच यू हैव टू राइट, एंड आई थिंक यू हैव रिटन. ऑलराइट,
Now what you have to do, children? You have to draw a rainbow. 7 colors rainbow. Do you know there are 7 colors in rainbow? You know na? So draw it, color it properly. जो कलर जिसके बाद आता है रेनबो में, आप एग्जैक्टली वैसे ही रेनबो कलर कीजिएगा. ऑल राइट चिल्ड्रन. और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नेट से रेनबो का एक इमेज ढूंढ लें और उसको देख के ड्रॉ एंड कलर कर लें. ऑल राइट, ठीक है चिल्ड्रन. सो योर होमवर्क इज यू हैव टू ड्रॉ अ रेनबो. ऑल राइट, ये तो मैंने ही आपको लिखा दिया है, सो दिस इज नॉट योर होमवर्क. Alright, your homework is you have to draw a rainbow. Okay, ये आपके syllabus में दिया हुआ है, activity में, so आपको cover करना ही है. Okay, so draw a rainbow. Okay, और जैसे जैसे colors आते हैं rainbow में, आप वैसे ही colors fill कीजिएगा. Alright children, do it. Okay, see you in next class. Thank you.